अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर ए देखने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमने बेसिक फार्मूले जो देख लिए हैं वो हमने पहले वीडियो लेक्चर में देख लिए हैं। अब ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, सीधे स्लाइड पर चलते हैं। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन प्रॉब्लम, यानी रिग्रेशन कोरिलेशन का डिफरेंस बताना है। वो आपको बता दिया था मैंने कि जो द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल होती है ऑन अदर वेरिएबल्स को रिग्रेशन कहते हैं, और इंटर डिपेंडेंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स है वो कोरिलेशन कहलाती है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आप बुक से डिस्कस कर सकते हैं। फिर डिफाइन द टर्म कोरिलेशन एंड प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। तो जो कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन हम निकालते हैं उसी को हम प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। लेकिन ये भी बता दूँ कि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें कार्ल पियर्सन ने दिया था, तो कार्ल पियर्सन कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन को भी यही आर से ही डिनोट करेंगे। अब इसका पार्ट नंबर सी देखते हैं। फॉर अ सेट ऑफ 50 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन एक्स एंड वाई, हमें गिवन डाटा दिया हुआ, कहता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स एंड वाई इज गिवन एज 450, फाइंड द कोवेरियंस। तो कोवेरियंस का बहुत आसान फार्मूला मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि एस एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन होता है उसका फार्मूला। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज दी हुई है, जस्ट हमें फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 450, और एन की वैल्यू दी हुई है 50, क्योंकि 50 ऑब्जर्वेशन हैं। फार्मूला यूज करेंगे एस एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर एन, वैल्यूज पुट कर दें 450 डिवाइडेड बाई 50 किया तो आंसर आ गया 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर ए देखते हैं। द सिंपल कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन आर इज गिवन बाय द फार्मूला आर एस एक्स वाई ओवर एस एक्स इंटू एस वाई इज गिवन एस आर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वेयर। अब एक बात याद रखनी है, देखिए जो गिवन डाटा है कपल दिए हुए 1, 2, 3, 4 यानी 10 कपल्स दिए हुए हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज डबल डिजिट्स में है। तो मैंने आपको कहा है, रिकमेंड किया है कि अगर आपको फार्मूला ना लिखा हो, बताया ना हो कि इस मेथड से करना है, तो हम इसको इजीली dx और dy वाले मेथड से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब हमें फार्मूला दिया होता है तो फिर हमने उसी फार्मूले के मुताबिक करना होता है, तो फार्मूला जो हमें गिवन है हमने उसी के मुताबिक इसको करना है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, यानी समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो पहले हम अपना कॉलम्स बना लेते हैं, एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, वाई की वैल्यूज दी हुई हैं, उसी बार से पहले हम एक्स बार और वाई बार निकालेंगे, यानी दोनों का मीन निकालने के बाद फिर एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाएंगे, वाई माइनस वाई बार का कॉलम बनाएंगे, उनके स्क्वेयर्स का कॉलम बनाएंगे और फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, ये देखें जी, ये आगे एक्स की वैल्यूज दी हुई थी 25, 29, 30, 30, 31 एंड सो ऑन अप टू 38। फिर वाई की वैल्यूज गिवन थी हमारे पास 20, 22, 24, 29, 23 एंड सो ऑन अप टू 31। तो इसका कॉलम का टोटल लगा लिया 320 आ गया, और वाई का कॉलम का टोटल लगाया वो आ गया 270। अब हमने निकालना है एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार निकालने का फार्मूला आपको पता है समेशन एक्स ओवर एन होता है। तो ये नीचे यहाँ पे हम वर्किंग कर लेते हैं, समेशन एक्स ओवर एन, अच्छा यहाँ मैं वर्किंग करना भूलूंगा, लेकिन आपको पता है ना एक्स बार कैसे निकलता है, समेशन एक्स ओवर एन, यानी 320 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये देखें एक्स माइनस एक्स बार, यानी x की तमाम वैल्यूज में से मैंने 32 को माइनस कर दिया, क्योंकि x बार हमारा आ रहा है समेशन x ओवर n, यानी 320 डिवाइडेड बाय 10 यानी 32। तो देखें 25 माइनस 32 करेंगे तो माइनस 7, 29 माइनस 32 करेंगे तो माइनस 3, 30 माइनस 32 किया तो माइनस 2, फिर 30 माइनस 32 किया तो माइनस 2 एंड सो ऑन। इसी तरह अब y माइनस y बार का निकाल लेंगे, तो y बार कैसे आएगा, समेशन y ओवर n करके, तो समेशन y है 270 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 27। अब y की तमाम वैल्यूज में से 27 को माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस 27 किया तो माइनस 7, 22 माइनस 27 किया तो माइनस 5, 24 माइनस 27 किया तो माइनस 3 एंड सो ऑन। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, तो माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7 प्लस 49, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 5 15, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 3 6 एंड सो ऑन। फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर, यानी इस वाले कॉलम का स्क्वेयर ले लेंगे, माइनस 7 का स्क्वेयर लेंगे तो 49, माइनस 3 का स्क्वेयर लेंगे तो 9, माइनस 2 का लेंगे तो 4, माइनस 2 का लेंगे तो 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली वाई माइनस वाई बार का कॉलम का स्क्वेयर ले लेंगे, माइनस 7 का स्क्वेयर लिया तो 49, माइनस 5 का 25, 3 का 9,
टू का फोर, फोर का सिक्सटीन, फोर का सिक्सटीन, टू का फोर एंड सो ऑन, ताकि हमें यहाँ से सम्स मिल जाए। अब हमारे पास सम्स आ गए, समेशन एक्स आ गया 320, समेशन वाई आ गया 270, एन है 10, फिर उसके बाद समेशन एक्स माइनस एक्स बार 0, ये भी आपको पता है कि डेविएशन फ्रॉम मीन हमेशा 0 होता है, तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार और समेशन वाई माइनस वाई बार का आंसर हमेशा 0 ही आएगा। फिर समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का आंसर आ गया 123, और समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 138, और समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वेयर का आंसर आ गया 164। अब जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला है वो फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इनटू समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू में दी हुई है 123, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इनटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू आ गई 123, और नीचे समेशन एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 138, और समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 164। तो 138 164 का प्रोडक्ट लेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 123 डिवाइडेड बाय 150.44, उसको हमने कैलकुलेट सिंपलीफाई किया तो आंसर आ गया 0.82। तो ये था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए, जिसमें हमें गिवन फार्मूले के मुताबिक हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट किया। अगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ना होती, अपनी मर्जी से करना होती, तो हम इसको dx वाले या dy मेथड से भी कर सकते थे और UV में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और नए देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।